हे दोस्तों, यू हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एक और नए वीडियो के साथ। मैं शिवराज चौधरी आप सभी का आप ही अपने चैनल यू हेल्प चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती 2019 से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट रेलवे की तरफ से यहाँ पर आ रही है। रेलवे ने एक ऑफिशियली सूचना जारी की है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। एक बहुत बुरी खबर है कुछ लोगों के लिए जिनका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आपकी एक्सपेक्टेड सीबीटी वन एग्जाम डेट जूनियर इंजीनियर की कब होना है, किस दिन आपका एग्जाम होगा, टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। बने रहिएगा वीडियो में एकदम लास्ट तक ताकि इसकी कोई भी जरूरी जानकारी ना छूटे। स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि रेलवे ने अभी अभी जूनियर इंजीनियर की लगभग 13,487 अलग अलग सीट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे थे, तो रेलवे ने यहाँ पर आंकड़ा जारी किया। दोस्तों, गजब का कॉम्पिटिशन यहाँ पर रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती में देखने को मिला है। लगभग 30 लाख एप्लीकेशन यहां पर जो है रेलवे को मिले थे। आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना भयंकर है। 13,487 सीट्स के लिए 30 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, जिसमें से 5 लाख कैंडिडेट्स थे जिनका कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रेलवे ने किसी न किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट कर दिया है। चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस की वजह से हो या फिर आपकी जो फोटोज है, सिग्नेचर है, अगर वो ठीक से अपलोड नहीं किया उस वजह से एप्लीकेशन फॉर्म, लगभग 5 लाख लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। और इस तरह से टोटल अगर मेन एप्लीकेशन की बात करें तो टोटल 25 लाख लोग यहाँ पर अपीयर होंगे रेलवे एग्जाम में जूनियर इंजीनियर की। आप देख सकते हैं कितना गजब का कंपटीशन है यहां पर। अगर हम इस पे पूरा एक कैलकुलेट करके देखें तो लगभग 185 लोग हैं यहां पर दौड़ पर एक सीट के लिए। एक सीट के लिए लगभग 185 लोग जो है दौड़ पर हैं, लाइन पर हैं, तैयारी पर हैं कि उनको जो है एक सीट रेलवे जेई भर्ती की जो है इस तरह से मिले। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटी को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको फ्री में मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यहां पर घबरा रहे थे कि कहीं उनका एप्लीकेशन फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हुआ है। मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात तो यह कि अगर आपने सिग्नेचर जो है अगर ब्लू पेन से कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे में ये कहा गया था कि आपको ब्लैक पेन से करना है, लेकिन अगर ब्लू से भी कर दिया गया है तो 99% चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा है। दोस्तों, रेलवे का जो भी वेबसाइट डिज़ाइन की है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, उसमें कोई ऐसा सेंसर नहीं लगा कि वो आपका जो है सिग्नेचर को स्कैन करके देखेगा, चेक करेगा कि जो आपका जो फॉर्म है ब्लू इंक में है या फिर ब्लैक इंक में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके सिग्नेचर क्लियरली विजिबल है आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। स्याही से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ब्लू से हो, ब्लैक से हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट, साइन की वजह से तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म उन्हीं का रिजेक्ट हुआ है जिन्होंने पूरा मतलब फॉर्म पूरी तरह से नहीं भरा था या एप्लीकेशन फीस नहीं भरी थी लास्ट डेट से पहले, उन्हीं का फॉर्म यहां पर जो है मेनली रिजेक्ट किया गया हो। सीबीटी वन एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो अप्रैल और मई में आपका जो है सीबीटी वन यहां पर होगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं कि आपका जो सीबीटी वन कंप्यूटर एग्जाम है अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में, अप्रैल के लास्ट में जो है आपका सीबीटी वन यहां पर होगा। ऑफिशियली लिंक सभी वेबसाइट से हटा दी गई है, इसके फॉर्म भरने जो है लगभग एंड हो चुके हैं। कंपटीशन आप देख सकते हैं कितना भयंकर कंपटीशन यहां पर रेलवे भर्ती का देखने को मिला है। दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहे, अप्रैल के महीने में आपका सीबीटी वन होगा, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जो है वो होगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट पर जाकर के आप पूछ सकते हैं। जिस किसी को भी भरोसा नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियली न्यूज़ की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको जो है सारी डिटेल यहां पर बता दी है ताकि आपका समय जो है वेस्ट ना हो, कम समय लगे। बाकी न्यूज़ जाकर के आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के न्यूज़ पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये जो न्यूज़ मैंने बताई ये सारी न्यूज़ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पढ़ सकते हैं। जिनको भरोसा है वही हमारा वीडियो देखा करें, जिनको हम पर भरोसा नहीं है कृपा करके वो हमारा वीडियो ना देखा करें, अपना टाइम वेस्ट ना किया करें। हम अच्छी ऑडियंस चाहते हैं, किसी जिसको हमारे चैनल पर भरोसा नहीं है वो हमारे चैनल को विजिट ना किया करें। अगले वीडियो मिलेंगे एक और नई भर्ती के साथ, रेलवे से संबंधित एक और जानकारी के साथ। थैंक यू।